तो सबसे पहले तो मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ, तो अमाल का मतलब होता है होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, राइट? हाँ, दो तीन लैंग्वेजेस में उसके अलग मीनिंग है. हिंदी में आई थिंक यू कैन से दैट एन अरेबिक में इट मींस प्योर. सो ओके, या दैट्स सो गुड. अगर मैं होप्स और एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ूं तो मुझे लगता है जो आपका हाल में जो गाना रिलीज हुआ है वो होप्स और एक्सपेक्टेशन के बहुत ही आगे चला गया है. 9 मिलियन व्यूज मिल गए हैं उसको, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. मेरे कभी होप्स और एक्सपेक्टेशंस व्यूज पे होते ही नहीं है. वो हमेशा होता है कि मुझे यू नो आई वांट टू विन हार्ट्स एंड द सॉन्ग्स विनिंग हार्ट्स, तो तब तक आई एम हैप्पी. तो क्या एक्सपेक्टेशन रहती है जब कोई गाना आप बनाते हैं, लोगों के सामने जाती है, गाना जाता है, तो किस तरह एक्सपेक्टेशन होते हैं? एक पॉइंट था जब मैं ऑलमोस्ट म्यूजिक को छोड़ने के वर्ज पे था, जब कुछ नहीं हो रहा था जय हो के बाद. 1 year आई डिड नॉट वर्क, देन आई डिड खूबसूरत एंड आई डिड वन सॉन्ग कॉल्ड नैनानू पता है. वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उससे पहले बहुत लोगों ने मीडिया में एंड न्यूज़पेपर्स में और सब जगह में राइट ऑफ कर दिया था कि कांट मेक म्यूजिक लाइक अन्नू मलिक और डब्बू मलिक एंड नॉट अ चिप इन द ओल्ड ब्लॉक. तो एक 23 ईयर ओल्ड के माइंड पे यानी दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद. तो मैं वो गाना जब चला तो मुझे लगा कि हाँ मुझे अपना काम आता है. बट सूरज डूबा पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर ये बहुत बड़ा नहीं हुआ यानी हाउ आई वॉज एक्सपेक्टिंग, तो मैं म्यूजिक ही नहीं करूंगा, मैं करना ही नहीं चाहता. बट वो गाना और मैंने डिसाइड किया था कि अगर चला तो मैं इसके बाद हर एक गाने में 2000-3000% घुस के इतना अच्छा काम करूंगा कि देन देयर विल बी नो स्कोप फॉर समवन टू से कि ही डजंट डू हिज वर्क डेडिकेटेडली. तो मैं आई लॉस्ट ऑल माई फियर व्हेन सूरज डूबा वर्क्ड. सो टिल नाउ इवन नाउ नो रिलीज केयर्स मी एट ऑल. And it's always positive, क्योंकि मेरे फैन आर्मीज और जो फैंस है मेरे फैमिली जैसे उन लोग मेरा, मैंने 2018 में 2.5 साल का ब्रेक लिया था टिल बदला एंड चले आना दे दे प्यार दे एंड कबीर सिंह ये आईना ऑल दैट. से पहले एक साल मैं घर पे था, गाने बना रहा था एंड आई वाज लाइक अभी कुछ नहीं करना, अभी मैं बर्न आउट हो रहा हूँ. तू मेरा नहीं इज माई 80th रिलीज, 80 एंड इन 5 years टू मेनी सॉन्ग्स दैट इज. एंड यानी मैंने भी जो इनफेमस रीमेक्स है किए बट बहुत ही रिस्पेक्टफुली किया. मेरे को वॉल्यूम उनकी इतनी नहीं बढ़ानी थी कि यू नो कि मैं सिर्फ रिक्रिएटर या जे माना जाऊं, बिकॉज़ आई एम अ फिल्म फॉर कंपोजर एंड आई हैव डन अ धोनी, सो आई हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट आई हैव डन. तो मैंने छोड़ दिया ये सब. एंड मैंने उस टाइम पे यानी बहुत लोगों ने कहा कि अरे अमल ऐसे छोड़ेगा तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाए दोस्तों ने फैमिली ने, बट मैं अपने फैंस को इसकी यू नो एक बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन कहना चाहूंगा दैट वाइल आई वॉज अवे ऑल्सो नॉट रिलीजिंग म्यूजिक दे केप्ट माई म्यूजिक अलाइव. And that's beautiful. So for my fans, that's why I did Tu Mera Nahi, जो मैं 15 years की age पे dream थी कि एक single कभी करूँगा life में. और फिर 30 हो गया तो लगा अरे 15 साल चलेगा कब करेगा अमल कर ले. तो मैंने कर लिया. 3 साल से वो चाहते थे कि मैं कुछ तो करूँ, कहीं तो video में आऊँ cover ही कर लूँ. But I was like original देते and you know जो मुझे visually and audio wise defines me the best and this song is. तो इसमें जिसमें जिस तरीके से कहानी, एक छोटी सी कहानी इसके अंदर दिखाई गई है, अमाल आप रियल में भी ऐसे ही हैं कि आपने काम को बहुत ही ज्यादा आपने आगे रखा है और सारी चीजों से? बिल्कुल. मेरे लाइफ में यानी जब दोस्ती रिलेशनशिप्स ये सब चीजें यानी मैं हमेशा 100% ही देता हूँ. आई डोंट आई कीप माई फ्रेंड्स रियली क्लोज इवन इफ आई एम इन लव. इफ आई हैव टू बी विद समवन इट विल बी 100%, नहीं तो नहीं करता हूँ. बट 3000% डेडिकेशन म्यूजिक को है. तो जो मेरी जिंदगी में एज अ पार्टनर आया या दोस्त भी मेरे जो आए, मेरे वही 8 दोस्त थे पिछले 20 साल से, वही पड़े रहते बाहर फीफा खेलते रहते और मैं अंदर म्यूजिक बनाते रहता हूँ. सो इफ दे कम एंड डिस्टर्ब मी जैसे वीडियो में आ गया इरिटेटेड, मैं वैसा उनपे भी हो जाता हूँ. तो ये बहुत मेरे क्लोज है, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ वीडियो में भी. एंड तो मैं हमेशा आई नीड पीपल टू अंडरस्टैंड हुआ क्लोज टू मी होपफुली दे विल अंडरस्टैंड कि म्यूजिक पहले आता है और फिर फैमिली दोस्त पार्टनर पार्टीज ये सब चीजें मैं कभी नहीं कर पाता. बहुत सारे लोग मुझसे दूर भी हो गए क्योंकि अरे यार फ्राइडे नाइट नहीं निकलता ये, सैटरडे नाइट नहीं निकलता, संडे को भी बोलता है अभी ट्विटर पे क्विज करना है ये करना है. तो ऐसे ऐसे मुझे लगता है जो मुझसे हमेशा जुड़े रहेंगे वो असली दोस्त होंगे और जो यू नो मुझसे प्यार करे और जो यू नो विल बी अ लाइफ पार्टनर. राइट नाउ तो देयर इजंट एनीबॉडी बट इफ देयर वुड बी दे हैव टू नो कि पहला प्यार तो म्यूजिक है फिर आप हो. एंड अमाल इतना बड़ा आप जो 15 साल से सोच रहे थे कि एक सिंगल करूंगा अब मैं और फाइनली वो हुआ, व्हाई सैड सॉन्ग?
कुछ एक सूरज डूबा है जैसा कुछ अच्छा, कुछ ऐसे थोड़ा एनर्जेटिक भी हो सकता था। मेरे गाने बहुत वैसे चले हैं, कर गई चुल एंड सूरज डूबा है एंड हफ्ते में चार शनिवार, आशिक सरेंडर हुआ, सच्चा सुपरस्टार। बट मेरे जो ऑनेस्टली जो मुझे पसंद है, मेरा स्टाइल जो मैं मानता हूँ जो डिफाइन करता है मुझे, वो बोल दो ना जरा, मैं रहूं कौन तुझे, कुछ तो है जब तक एंड तू मेरा नहीं, दिस इज माई काइंड ऑफ म्यूजिक, यानी ये मैं हूँ। इस जब आप इस गाने को सुनोगे ऐसे लगेगा कि आप मुझे और बेटर जान रहे हो। तो आई वॉन्ट टू पुट स्टफ लाइक दैट, दिस इज नॉट सैड ऑल्सो, मैंने तो इसमें मान लिया, बोल दिया ना कि तू मेरा नहीं, कहा बोला कि मैं रो रहा हूँ मर रहा हूँ। तो मेरा बहुत एक हीरोइज्म है, चले आना भी आप देखो जो मेरा मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म सॉन्ग है फिलहाल, इट्स वन ऑफ माय बिगेस्ट इन नंबर्स इन एवरीवेयर, इन चार्ट्स, इन स्ट्रीम्स, इन व्यूज, एवरीथिंग। सो दैट आल्सो हैज अ हीरोइक वे ऑफ सेइंग जो मेरा एक प्यार करने का तरीका कि मैं यहीं पे रुकूंगा तेरे लिए, नो प्रॉब्लम, तू आ जा, सब कर ले, करके खत्म, चले आना। तो इसमें भी ऐसा है कि चलो आपके लिए इफ आई एम नॉट द राइट गाय देन आई अंडरस्टैंड, दैट्स द मैसेज आई वांट टू गिव एवरीवन। कि बॉयज यूजुअली, गर्ल्स भी बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि जब कोई कहता है कि नो इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये गाना वो अंडरस्टैंडिंग मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कि जब इफ एनी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप विद फैमिली फ्रेंड पार्टनर बिकम्स टॉक्सिक फॉर देम यू एंड यू रियली लव देम बट वो फिर भी वर्कआउट नहीं हो रहा, तो छोड़ दो, लेट टाइम एंड स्पेस टेक इट्स प्लेस, होना होगा होगा, नहीं होगा तो तू मेरा नहीं, ये समझ के निकल जाओ, गाना प्ले कर दो और हाई स्पीड में चले जाओ उस रूम से। रियल लाइफ में कभी आपने ये जो गाना है कभी बैकग्राउंड में चला है, रियल लाइफ में कभी सिचुएशन में फंसे हैं ये कहने के लिए कि तू मेरा नहीं? मेरी लाइफ एक म्यूजिकली है, मुझे कभी गाने बजाने नहीं पड़ते, मैं गानों में ही खोया रहता हूँ। बट रियल लाइफ में ऐसा हुआ है बिल्कुल, यू नो देयर हैव बीन पीपल दैट आई रियली लव्ड एंड आई यू नो वांटेड टू बी इन अ रिलेशनशिप विद देम एंड things didn't work out because of my timings, the industry timings, the patterns of eating, sleeping, not getting out. And मैं एक्चुअली बॉलीवुड में रहते हुए भी काफी एंटा उनके तरीके, तो पार्टीज नहीं करता, सक्सेस पार्टीज में भी बहुत मुश्किल से जाता हूँ, जाता हूँ तो 15-20 मिनट में हेलो हाय गुड बाय। ये सब चीजों से बहुत ऐसा होता है दोस्तों के साथ साथ, इवन अ फ्यू पीपल हु वुड हैव बीन अ पोटेंशियल रिलेशनशिप नेवर वर्कड आउट बिकॉज आई एम स्लाइटली डिफरेंट एज अ ह्यूमन बींग। सो बिल्कुल हुआ है, उधर से ही तो गाने आते, नहीं तो कैसे बनाऊंगा मैं रोके ना रहना या बोल दो ना जरा, होना होता आपके लाइफ में, म्यूजिक कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल हुआ है। बट इन समवेयर आपने कभी ऐसे सोचा कि नहीं यू नीड टू चेंज योरसेल्फ, थोड़ा सा मुझे करना चाहिए, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, पार्टीज में जाना चाहिए, आपने अपने आप को कभी प्रेशराइज किया इसके लिए कि नहीं अमल अब तो निकलो यहां से, ऐसा कुछ? लोगों की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, बट क्या मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है उन जगहों पे, क्योंकि मुझे ना कहीं मुझे लोग यू कैन से गुड और बैड पार्ट ऑफ फेम इज दैट जो मैं जैसा हूँ ना, बचपना है मुझ में। अरमान बहुत अच्छा हैंडल कर लेता है, यू नो ही इज मेंटली इज बैड, इज अ 55-year-old गाय फ्रॉम योर, आई एम अ 17-year-old गाय हू थिंक्स फ्रॉम द हार्ट। तो मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा वैसा हो जाता, अरे यार मैं इन लोग देख रहे हैं, अरे यार फोटो, यानी अच्छी बात है, आई लव गिविंग पिक्चर्स, पीपल स्माइल एंड टेक पिक्चर्स, इतने कभी कभी सोचते हैं कि मैं अर्जुन कपूर हूँ, आदित्य रॉय कपूर हूँ, कभी उनको पता नहीं कि अमल मलिक है, तो चलता है। मैं इवन कभी कभी बोलता है अरे सर आपकी फिल्म देखी ये वाली, मतलब हाँ 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 ठीक है। तो मैंने ऐसे भी बहुत किया है कि पीपल हैप्पी, बट समवेयर वेर आई फील कि अरे यार ये मेरे डिलीवरी के बीच में ये बातें आ रही है या मेरे इट्स टेकिंग अवे फ्रॉम माई क्रिएटिविटी, दिस इज द लाइन आई कैन, आई हैव ऑल्सो डन कि कभी कभी बोला चलो आज नहीं कल रिकॉर्डिंग करते, पर मैं वो 6 बजे तक पार्टी करके 9 बजे स्टूडियो आया हूँ, यू नो। तो मेरा वो डेडिकेशन, मैं अगर 4-5 घंटे पार्टी कर भी लेगी, किसी दोस्तों ने फोर्स कर दिया भाई आजा आज तो आजा, कितने सैटरडे हमें रुलाएगा, तो मैंने वो भी किया है, बट वो यानी इंस्टेंटली स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करता है लाइक स्क्रू इट, चलो जाते, गया वापस आया फिर काम कर लिया। बट जहाँ मेरे को लगता है हाँ मेरा म्यूजिक का ही सफर होने लगा जो अब तक हुआ नहीं है, सब काम मेरा पीसफुल है, ब्यूटीफुल है, बेस्ट है, मन लगता है कि गॉड इज विथ मी ऑन एवरी सॉन्ग एंड माई ग्रैंड फादर इज विथ मी, यू नो आई कॉल माई म्यूजिक हैशटैग वी द ब्लेस्ड म्यूजिक, यू नो जैसे डीजे खालिद का वी द बेस्ट म्यूजिक, मेरा वी द ब्लेस्ड म्यूजिक है। सो मुझे लगता है ब्लेसिंग्स बहुत है, फैंस का प्यार बहुत है,
एंड उन सब चीजों की वजह से मुझे कभी अपने आप को ज्यादा पीयर प्रेशर में चेंज करना नहीं पड़ा। एंड कहीं आपको ऐसे लगा कि अगर आप ये म्यूजिक आपसे नहीं जुड़ा होता, फैमिली ऑफ कोर्स आती है आपके अंदर जीन्स होंगे उनके, इसलिए इतना कुछ आपको मिला भी है, आप इतना कुछ अच्छा कर भी पाते, लेकिन कभी अगर ऐसा लगा कि अगर म्यूजिक नहीं होता लाइफ में तो क्या होता? पता नहीं, तो मैं यहाँ नहीं होता, ये इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेरा नामो निशान नहीं होता। यानी आई ऑलवेज वांटेड टू आल्सो बी अ स्पोर्ट्समैन, आई यूज्ड टू प्ले रियली गुड क्रिकेट एंड आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ फुटबॉल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आई हैव प्लेड, एंड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई हैव प्लेड अगेंस्ट द इंडियन एयरलाइंस टीम एंड अच्छे से कलीना में आई हैव गॉट ट्रेंड प्रॉपर क्रिकेट एंड आई हैव कैप्टेंड माय स्कूल टीम्स एंड डन ऑल ऑफ दैट, बट कहीं ना कहीं उसमें आउटलेट नहीं था जैसे आज फुटसॉल है या आईपीएल है, ऐसी चीजें। Maybe I would, I was a decent fast bowler, a good middle order batsman. ये सब चीजें मुझे dreams थी कि मैं cricketer बनूंगा या footballer बनूंगा कुछ तो, पर कहीं ना कहीं 15 की age पे मुझ पे responsibilities आ गई घर की। I started doing television background score, film background score assistant, jingles. तो एक बार मैं उसमें गया then I realized कि wow this is my world. और gadgets और keyboards और तो I was like वो भी है, that is also, यानी मैं घर में हर एक गाना खत्म करता अभी बाहर जाके एक ओवर खेलूंगा क्रिकेट, सोनी की टीम बैठी हम लोग खेलते रहते हैं, तो ये सब चीजें चलती रहती है। बट एज अ करियर व्हेन आई मेड वन सॉन्ग एट 15 एंड आई प्लेड इट टू माय पापा एंड ही टोल्ड मी कि यू हैव अ कंपोजर इन यू, एंड वो बोलना उनका बहुत मेरे लिए अहमियत था कि इस बात की कि उधर से मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ म्यूजिक में मैं कर सकता हूँ, तो आई चोज म्यूजिक। तो मतलब अगर अगर आप मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं जुड़े होते तो जो ऑडियंस होते वो आपको क्रिकेट में देख रहे होते, मैदान में देख रहे होते हैं। यानी आई वुड हैव लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल वुड बी लाइक द यंगस्टर्स ऑफ टुडे लाइक अ केएल राहुल और अ कोहली, एंड यू नो थोड़ा अग्रेसिव एंड पॉजिटिव एंड फाइटिंग स्पिरिट, तो वैसा होता ऑब्वियसली विद दैट टैलेंट, तो लाइक इंडिया इज द बेस्ट टीम, आई वुड नॉट स्टैंड अ चांस, बट कहीं ना कहीं एक छोटी आईपीएल टीम तक तो पहुंच जाता। एंड अमाल व्हाई यू डिडंट थॉट अबाउट एक्टिंग? आई नेवर थिंक अबाउट थिंग्स आई नो आई एम नॉट गुड एट, मैं कभी नहीं करूंगा, मेरे को एक्टिंग होती नहीं है। मैं इस बार इस गाने में ही 40 डिग्री में मेरा स्किन जल गया और इतने, यानी म्यूजिक एक ऐसी चीज है, यानी इट्स प्योर, इट कम्स फ्रॉम, मेरे को पता नहीं कहां से आता, वो सिखाई भी नहीं जा सकती, बट मैं अपना काम जानता हूँ म्यूजिक में। आई नो हाउ टू मेक अ सिंगर सिंग, आई नो हाउ टू टेल द राइटर कि ये लाइन नहीं ये लाइन, मैं अपनी कॉम्पोजिशन स्किल्स जानता हूँ, अपनी लिमिटेशंस जानता हूँ, और मुझे पता है कि ये नहीं हुआ तो वापस रीडू करके गाना ऐसा कर सकते हैं। एक्टिंग में ऐसा हो जाता है कि आप अनप्रिपेयर्ड जा ही नहीं सकते, इफ यू अनप्रिपेयर्ड, इफ यू डोंट गिव द राइट शॉट प्रॉब्लम, इफ योर को एक्टर डजंट गिव द राइट शॉट रीटेक, कैमरा सही नहीं लगा उधर रीटेक, तो इट डिपेंड्स ऑन टू मेनी पीपल, यू नो, तो सिर्फ एक आदमी पे नहीं है, डायरेक्टर की विजन, सब टीम वर्क है, एक्टिंग भी म्यूजिक भी, बट एक्टर पे जो प्रेशर है ऑफ डिलीवरिंग वो कंपोजर से थोड़ा ज्यादा है। यानी कंपोजर्स कैन रीडू द सॉन्ग, सिंगर्स कैन कम एंड रीसिंग कि हाँ पहले टेक में मजा नहीं आया, दूसरी बार कर लो, एक बार चला गया और डेट्स चले गए एंड नहीं आ सकता वापस, तो वो कब जाता है, वो बाहर आ जाता है, देन यू कैन ओनली से सॉरी कि मैं नहीं कर पाया। In music, if you have a bad song, maybe your next song can be a super hit. And there is a chance. I know today cutthroat hai, kabhi do gaane main bhi film mein kharab de do, toh people won't work with me. But phir bhi ek chance rehta hai ki aap ek achha gaana deke, you can make a comeback. And touch wood that there has not been any bad work from my end. Thode honge starting ke, ek do gaane mujhe yaad nahi. But har cheez mein dil to hai, dil aur emotion maine dance tracks mein bhi nahi choda hai. Suraj Dubai ho, या आशिक सरेंडर, इट हैज रोमांस, इट हैज गॉट सम इमोशनल कंटेंट एंड द अमाउंट ऑफ ऑनेस्टी जो गाने में, हर गाने में, डांस हो या म्यूजिक या रोमांटिक हो, मेरा 100% होता। एंड अमाल जब बात होती है आपके फैमिली में, बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहते हैं, कंपटीशन, कंपैरिजन बहुत कुछ होता है आप लोगों के अंदर अंदर, इंटरनली भी होता होगा, तो एक तो होता है कि पेरेंट्स के साथ कंपैरिजन और एक होता है भाई के साथ भी कंपैरिजन, इस सब को कैसे आप लोग लेते हैं, कितनी स्पोर्टफुली लेते हैं और रियल लाइफ में आप लोग क्या कर रहे होते हैं जब इस बारे में बातें होती हैं? आई थिंक मैं और अरमान बहुत फनीली लेते हैं। पेरेंट्स के साथ जो कंपैरिजन, पापा के साथ, दादा के साथ, अंकल के साथ, वो थोड़ा प्रेशराइजिंग था, क्योंकि कोई भी वो काम नहीं कर सकता जो उन लेजेंड्स ने किया। दे हैव मेड द मलिक सरनेम रेजोनेट कि 60 साल से हम म्यूजिक कर रहे हैं। इट्स बीन 1960s, 1950s में मेरे दादाजी started, 1960s में got successful, तो 50 से लेके अभी तक almost 60 years हो गए, so वो एक legacy को मैं कभी beat नहीं करना चाहता।
आई ओनली वॉन्ट टू टेक इट रिस्पेक्टफुली फॉरवर्ड. तो मेरा तरीका अलग है, मैं कोई उनको कॉम्पिटिशन नहीं मानता. उन लोग देर इज अनु मलिक, देर इज डब्बू मलिक, देर इज सरदार मलिक, देर इज अ न्यू मलिक. सो एक अलग आई हैव द बेस्ट ऑफ ऑल थ्री. आई हैव लर्न्ड सो मच फ्रॉम ऑल थ्री. मेरा इमोशनल म्यूजिक मेरे पापा से आता है, मेरा हिंदुस्तानी म्यूजिक की एक्सपीरियंस दादाजी से आती है. जो डांस ट्रैक मस्ती और यू नो सुपर हिट कमर्शियल म्यूजिक का जो सेंस है वो अंकल से आता है. सो आई हैव द बेस्ट ऑफ ऑल थ्री इन मी. एंड हमारे फैमिली में सिंगर अरमान से बेटर तो कोई नहीं है. मुझे नहीं लगता कि दादा, पापा और अंकल या मैं, हम लोग चारों आर नॉट अ पैच ऑन अरमान सिंगिंग. अरमान इज द बेस्ट. वो ही इज गॉड्स चाइल्ड. आज ही इज वन द EMA, MTV EMA जीता वो. एंड द बेस्ट इंडिया एक्ट, इंग्लिश गाने से जीता है. सो ही इज टेकिंग इंडियन म्यूजिक ग्लोबल. एंड मैं उससे बहुत प्राउड हूँ, यू नो, इस बात से कि उसने इस फैमिली का नाम सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी ले गया. एंड दैट्स वी टुगेदर विल टेक सरदार मलिक्स लेगेसी रिस्पेक्टफुली अहेड. पर हम लोग के साथ बहुत मस्ती होती थी पहले. मैं बहुत बोलता अरे यार मैं इतने गाने बना तो सब तू और अरिजीत गा के फेमस हो रहे हो, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है. एंड हम लोग जाते थे तो लोग बोलते थे सर आप अरमान है और ये आपके भाई मलिक. मेरा नाम मलिक था. तो मैं बोला हाँ 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 सही है सही है. तो पहले मेरे को लगता था क्या यार, इतनी मेहनत करो, स्टूडियो में मरो, गाने करो, 20-20 दिन ना सो, रिलीज हो, हिट हो जाए और क्रेडिट ले जाए सिंगर्स. यानी ठीक है सबको मिले. मेरे को लगता है चार पिलर है गाने के. एक लिरिक राइटर सबसे इम्पोर्टेंट, एक म्यूजिक डायरेक्टर सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट, सिंगर थर्ड इम्पोर्टेंट, और फोर्थ जो बीट्स और म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, इंजीनियर्स, टीम, रिकॉर्डिस्ट, ये सब भी इम्पोर्टेंट. तो ये चार पिलर से गाना चलता है. सो मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, सबको क्रेडिट देता हूँ. लंबे लंबे मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे हर एक इंसान का क्रेडिट होता है. सो आई फील दैट यू नो वी हैव टेकन इट वेरी कैजुअली. वी डोंट टेक आवर सक्सेस टू आवर हेड, क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से हमें संभाला है. अभी भी बोलते जा उठाओ प्लेट उठाओ, ऐसे जाओ टॉवल क्यों बेड पे रखा है. तो हम लोग के साथ कोई स्टारडम वाली ट्रीटमेंट नहीं है. हम लोग ग्राउंडेड ही नहीं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं मम्मी के. सो ये सब चीजों में हमारी एक इनोसेंस है. एंड वी नेवर टेक ईच अदर्स कॉम्पिटिशन. वी कम्पीट म्यूजिकली कि अरे तू ऐसा कर मैं ऐसा करता हूँ, बट ऐसा नहीं है. और जब मैं सारे का माँ बाप आया तो चीजें बदली. मेरा फेस देखा लोगों ने UAE एंड टर्की, इंडोनेशिया. मेरे काफी फैन क्लब्स मैंने आज देखा है. आई हैव अ फैन क्लब फ्रॉम मेक्सिको, आई हैव अ फैन क्लब फ्रॉम रशिया, आई हैव अ फैन क्लब फ्रॉम कोलंबिया, आई हैव इंडोनेशिया, टर्की, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. तो सब साक कंट्रीज है और सब यूरोपियन कंट्रीज भी है एंड अमेरिका एंड UK एवरीथिंग. सो ये जो मुझे मिला है इज ब्यूटीफुल. जो अरमान को मिला है इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर अस. उस टाइम पे जब सारे का वहां आया ना, तो मेरे को एक बहुत अच्छा, मैं आपको एक मोमेंट बताता हूँ कि हम लोग एयरपोर्ट से उतरे दुबई एंड किसी ने अरमान को पकड़ा, बोला अमल सर आपने क्या ट्वीट बोला है. तो अरमान ने बोला मैं नहीं वो सब बातें ये करता है, मैं बहुत डिप्लोमेटिक हूँ, अच्छा बच्चा हूँ, सब अमल ने बोला है. तो देन ही टोल्ड मी इज लाइक ब्रो मेरे को अमल बुला रहे, तेरा तो शो हिट हो गया. तो ऐसा भी होता है. अभी अरमान को लोग अमल कहते हैं, कभी अमल को अरमान कहते हैं. तो पीपल आर कंफ्यूज्ड, स्टिल कंफ्यूज्ड. कमिंग होम ठीक है. ओके थैंक यू सो मच अमल आपसे बात करने के. मुझे लग रहा है कि ये जो इंटरव्यू हुआ मैं आपको बहुत अच्छे से जान गई. मेरे पूरे दिन का वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज रहा है ये, सबसे कैंडिड, सबसे चिल. हाँ मैं इतना नहीं जानती थी आपके बारे में, और जहाँ वहां मैं पढ़ भी रही थी तो इतना कुछ नहीं पता था कि ये जो ग्राउंड लेवल पे आप लोग जैसे काम कर रहे हो, जैसे आपने बताया अपने घर पर आपको बोला जाता है ये सामान यहाँ रख कर आओ. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस एंड आई होप आपके और सिंगल्स हमको देखने मिले. बिल्कुल बिल्कुल. इस साल से मेरा एम यही है कि मैंने यू नो ऑलमोस्ट 5 years में उतना पाया है रिस्पेक्ट और प्यार और यू नो बिलीफ लोगों से कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ. एंड 5 years में लिटरली मैं कह सकता हूँ 20 years की सक्सेस देखी है मैंने. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट. तो अभी मुझे लगता है मैं 30 से मेरा एक अलग वाइब है, और मैं यानी अब मैं अपनी जर्नी पे एक्चुअली शुरू हुआ हूँ. क्योंकि जितने एक्यूलेट्स, अवार्ड्स, जो ड्रीम्स होते हैं पेरेंट्स के, वो हर एक म्यूजिक इंडस्ट्री के जो अवार्ड्स सब मेरे मम्मी पापा के पास है. और अरमान जो मेरा छोटा भाई उज लाइक अ बेबी ब्रदर टू मी. And he is my dad. He is on top of the world. He's in Times Square में उसके billboard लग रहे. तो एक responsibility of making a talented. ये मैं कहना चाहते एक और बार कि लोग कहते हैं कि nepotism है, अपने भाई को गपते हो, आप मलिक हो तो आपको मलिक से काम मिला. ये सब मैं अब भी कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कल
सीनियर पोजीशन पे आता और मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड का बेटा बहुत ही गुणी बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन और मैं उसकी हेल्प करूँ तो मैं बुरा इंसान हूँ, पर अगर मैं उसको हेल्प करूँ विदाउट हिम बीइंग टैलेंटेड और एक टैलेंटेड बच्चे को ऊपर आने नहीं दूं तो वो गलत, दैट इज डिस्ट्रक्टिव नेपोटिज्म। अगर आप किसी टैलेंटेड इंसान को हेल्प कर रहे हो वो आपके भाई का दोस्त हो पापा का दोस्त हो किसी का भी हो, दैट इज कंस्ट्रक्टिव नेपोटिज्म एंड इट्स नॉट नेपोटिज्म, बहुत ओवरयूज्ड है ये वर्ड। आप ये जानो कि अमल अरमान ने अपनी जगह खुद खुरेद के बनाई है एंड वी हैव नॉट गॉट फेवर्स फ्रॉम एनीवन। अरमान संग विद बच्चन जी एट द एज ऑफ 11 विद विशाल शेखर, डब्बू मलिक डिडंट पिक अप द कॉल एंड से कि विशाल प्लीज गिव अरमान द सॉन्ग। आई हैव वर्क्ड विद कंपोजर्स अपना नाम छुपा के क्योंकि मलिक सुनते थे तो असिस्टेंट नहीं रखते थे, तो ये ऐसी चीजों से हम भी गुजरे एंड ये इंडस्ट्री ऐसी कि आपको 15 साल इट विल पुश यू डाउन and then one day you'll come up, then again 4-5 years you'll be down, then again it's like that's life, you have to take it. ऐसा भी होता है कि लोग जो surnames देके assistant भी नहीं रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है? हुआ है। मैं अगर बातें करूंगा तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इसलिए मैं अभी ज्यादा मेरे को बात ही नहीं करनी है। ऑलरेडी इतना एक्सपोज हो चुका है बॉलीवुड और उसकी जो असलियत है इन सर्टेन प्लेसेस, पर ये मतलब नहीं कि सिर्फ गंदगी यहाँ है, हर इंडस्ट्री में हमारे इंडस्ट्री में लोग कहाँ कहीं से भी आकर स्टार्स बनते हैं। एक सिद्धांत चतुर्वेदी है लड़का जिसने अपनी जगह बनाई, एक अंकित तिवारी कंपोजर है जिसने गलिया सुन रहा है ना तू विदाउट बैकिंग कानपुर से आके इस जगह पे झंडे गाड़े, आज तक हम लोग को रेफरेंसेस मिलते हैं उनके काम के कि ब्रो एक गलिया बना दो, तो क्यों नहीं, तो अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते हो। मानता हूँ कि सरनेम होने से लोग बोल सकते हैं डब्बू के बच्चे, तो शायद फुट इन द डोर मोमेंट मिल जाए, एक मीटिंग मिल जाए, वो मीटिंग तय हो कि भी जो फिल्म मिली 7 घंटे हम लोग रुके सलमान सर के वैन के बाहर तो मिले, तो वो ही स्ट्रगल फॉर्मेट है, वो आपका, यानी मैं मानता हूँ एक चीज कि सब लोग को जानना चाहिए अरमान बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, मैं अच्छा कंपोजर हूँ, मैं अपने गाने के लिए सही आर्टिस्ट चुनता हूँ, वो अरमान अरिजीत, अरमान ने गाया था चल वहां जाते, बाद में अरिजीत आ गया क्योंकि मुझे लगा अरिजीत है, बेसब्रिया धोनी से अरिजीत ने गाया था पर मुझे फिर और डायरेक्टर को लगा अरमान बेटर है तो वी टोक अरमान ऑन दैट। ये चीजें होती है, यू कैन नॉट से कि इस वजह से लोग इंडस्ट्री खराब है या लोग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हर दिन मैं खुद रिप्लेस होता हूँ, मैंने 17 फिल्मों से मैं खुद निकला हूँ क्योंकि मेरे को रीमिक्स नहीं करने, ये मतलब थोड़ी कि वो फिल्म बंद हो गई, किसी और ने वो जगह ली, रीमिक्स की ओरिजिनल भी शायद कर लिया, तो मैं आई कैन नॉट क्राई अबाउट व्हाट डिडंट कम टू मी, आई हैव टू बी हैप्पी अबाउट व्हाट केम टू मी। और यही मैसेज मैं मेरे फैंस को और सब लिसनर्स और सब ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि जो मिल रहा है बाहर देखो तो बहुत गम है भाई, जिंदगी में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है, वी स्टिल हैव अ लॉट एंड मी एंड अरमान जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, व्हाटएवर स्टारडम वी आर नॉट एरोगेंट बट वी विल स्टैंड फॉर द राइट थिंग। वो डिप्लोमेटिकली स्टैंड करता है, मैं थोड़ा अग्रेसिवली लेता हूँ, वो नेचर की बात है। बट अरमान मलिक ने जिस साल 16 गाने गाए सुपर हिट सब तेरा या जब तक कुछ तो है बोल दो ना जरा, उस साल यू नॉट नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सिंगर कैटेगरी इन एनी अवार्ड, उस जगह पे आप कैसे बोल सकते हो? अभी बोलो अभी व्हाई डोंट यू सपोर्ट एन आर्टिस्ट जो बहुत नामचीन है और उसको अपनी पोजीशन अपनी रिकग्निशन नहीं दी, तो उसने बाहर जाके दुनिया में देखा है कि इंडिया क्या मैं बाहर का सुपरस्टार बन सकता हूँ, जहाँ हम लोग को लोग दबाते हैं हम वहां से निकल के स्प्रिंग जैसे फिर आ जाएंगे क्योंकि हम लोग के फैंस और उनके फैमिलीज का ब्लेसिंग्स है। सो आई फील आई वांट टू क्वॉश दीज थिंग्स कि लोग जो सोचते हैं कि आसान है अमल गाना इसको दे देता है या अरमान गाता है तो अमल का गाना चलता है, कॉम्बिनेशन है। मैंने मिक्का के साथ भी काम किया, शान के साथ भी किया, सोनू निगम सर ने भी मेरे गाने गाए, अरिजीत ने भी गाए हैं, श्रेया है संग, सम सुनिधि इज सिंगिंग, सब गाने डिसाइड करता है मेरे लिए कि कौन सिंगर होगा। मोहित चौहान सर के साथ भी काम करना है, नीरज श्रीधर ने भी किया है, तो देर बादशाह इज वो। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ अरमान है, वो अलग बात है, अरमान ने वो गाने ऐसे गाए कि वो अच्छे गाने और बड़े हो गए, तो वो क्रेडिट आपको आर्टिस्ट को देना पड़ेगा कि उसकी मेहनत है। डोंट एवर मैं क्या किसी भी नए आर्टिस्ट ने अगर अच्छा काम किया ओरिजिनल किया मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस भी उसे सपोर्ट करें, मैं खुद शेयर करता हूँ। So I'm here to change it with maybe little angry I come across क्योंकि जो creators हैं music के lyrics writer singers और musicians उनको credit और उनको respect देना जरूरी है, वो चाहे आप उनका गाना अगर आप recreate करते हो लिखो वहाँ पे कि original song by कितने लोग कहते हैं मेरा गाना है, मैंने आज तक remake करके नहीं बोला मेरा गाना है। ये सब छोटी छोटी बातें industry में respect royalty इज्जत देना अपने क्रिएटर्स को कंपोजर्स को एंड लिरिक्स राइटर्स को, ये सब चीजों के लिए मैं लड़ता और लड़ते रहूंगा। दैट्स इट। ओके थैंक यू सो मच अमाल।
बाय यू थैंक यू